जोधपुर की एसएससी एसटी कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के मामले में केस दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके नाम पर फेसबुक पर बने पैरोडी अकाउंट के जरिए कई आपत्तिजनक बयान पोस्ट किए गए हैं, जिसके खिलाफ कोर्ट ने यह कदम उठाया है और ऐसे आपत्तिजनक और जातिगत टिप्पणी करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनेगा, क्योंकि यह उनका आधिकारिक अकाउंट नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा हो चुका है। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर हार्दिक के खिलाफ राजस्थान कोर्ट 21 मार्च को जोधपुर पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया, हालांकि बाद में पता चला है कि वो ट्विटर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के वेरिफाइड अकाउंट से नहीं बल्कि उनके नाम से किसी फर्जी अकाउंट से किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।